अरे संजू बेटा, चश्मा बदलना पड़ेगा। इसको लगाती हूं ना बेटा, बड़े चक्कर आते हैं। आज तू घर पे है तो चल शाम को जाकर आ जाते हैं। ठीक है, शाम का अपॉइंटमेंट लेता हूं, लेके चलता हूं आपको। तैयार नहीं हुए अभी तक आप? इतनी मुश्किल से तो हमारा प्लान बना है, एक और अम्मा की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते हैं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है मैडम। हैप्पी दिवाली। दिवाली? आज कहाँ दिवाली है? वैसे आपने आज दिवाली वाला कुर्ता निकाला तो मैंने सोचा विश कर दूं। चुपचाप जींस और शर्ट पहन लो, आपको मेरे साथ जाना है। ओके मैडम। वैसे ध्रुव कहाँ गया? कपड़े पहन के गायब ही हो गया। वो बाहर खेल रहा है। अच्छा मैडम, ये ठीक है मैडम? परफेक्ट। अम्मा, अपर्णा के मम्मी ने हमें खाने पे बुलाया है। अच्छा, हम तीनों को, मैं, अपर्णा और ध्रुव। बहू कभी अपने माँ बाप को यहाँ भी बुला ले बेटा खाने पे, है ना संजू? हाँ। यहाँ आपसे मिले? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे माँ, हमें लेट हो रहा है, किसी को वेट कराना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग चलते हैं, ठीक है? संजू बेटा, पर मैं क्या करूंगी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, मैं खाने का क्या करूंगी बेटा? अरे अम्मा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, आज मंदिर में भंडारा है, आप वहां जाके खा लीजिए, 2 किलोमीटर ही दूर है, आपका वॉक भी हो जाएगा, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है आपको वॉक करने के लिए, और आते वक्त मैं आपको पिक कर लूंगा, ठीक है? चलो जल्दी, लेट हो रहा है। हम चलते हैं। चैम, क्या हो गया ध्रुव? मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो बेटा? मैं ना बड़ा होके ना मंदिर के पास ही घर ले लूंगा। मंदिर के पास? क्यों? आप दोनों को ना अम्मा की तरह ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा।